जय हिंद। देखिए, आजकल एक घटना बहुत ही सुर्खियों बना है, जिसमें एक फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को एक सीआईएसएफ के जवान द्वारा थप्पड़ मारा गया। तो चलिए, इस वीडियो में हम जानते हैं कि सीआईएसएफ के जवान द्वारा थप्पड़ क्यों मारा गया और क्या यह थप्पड़ मारना उचित है या अनुचित है। देखिए, इन बातों को पूरी डिटेल से जानते हैं। देखिए, बात है कंगना रनौत जो कि एक फिल्म अभिनेत्री और एक कुलविंदर सिंह का। देखिए, कंगना रनौत के बारे में हम थोड़ा लगाना थे। ये जो कंगना रनौत है, यह हिंदी फिल्म के समझिए एक अभिनेत्री है जो कि बहुत सारे फिल्मों कर चुके हैं, इनका बहुत सारे फिल्में भी हिट हुए हैं। और इस बार जो है कंगना रनौत लोकसभा के चुनाव लड़ी, जिसमें यह प्रॉपर वहां से सांसद बन के जीत कर आई। तो देखिए, अब ये सांसद है। देखिए, एक है कुलविंदर सिंह कौर जो कि एक सीआईएसएफ है और यह महिला सीआईएसएफ है, ये महिला सीएसएफ है। और इसी का ये जो कुलविंदर सिंह इन्हीं के द्वारा जो है कंगना रनौत को थप्पड़ मार दिया गया। तो अब देखिए, ये थप्पड़ मारी क्यों, इसकी कहानी कहाँ से स्टार्ट होता है। देखिए, जैसे कि हमें पता है कि लोकसभा चुनाव से पहले बहुत सारे किसान जो है सरकार से प्रोटेस्ट कर रहे थे। वो किसान जो थे मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा के थे, पंजाब हरियाणा, ये देखिए ये दो राज्यों के किसान मुख्य रूप से वहां पर प्रोटेस्ट करने, सरकार से मतलब प्रोटेस्ट करने गए थे। इनका मांग थी जो हमारा जो जो सरकार एमएसपी दे रही है उतना हमारे फसल लायक नहीं दे रही, मतलब एमएसपी कोई एमएसपी को लेकर ये समझिए सरकार के समय आंदोलन कर रहे थे ताकि एमएसपी को बढ़ाया जाए। साथ में इनका मांग था कि जो है भारत को है डब्ल्यूटीओ से निकाला जाए, जो कि उचित नहीं है। भारत डब्ल्यूटीओ से नहीं निकल सकते क्योंकि भारत को भी अन्य देशों से काम है। तो इस तरह से जो है किसानों को मांग थी। अब देखिए, ये जो पंजाब है, पंजाब में खालिस्तान का मुद्दा बहुत जोर पर है, पंजाब में ये जो खालिस्तान का मुद्दा बहुत जोर है। देखिए, पंजाब में कुछ ऐसे सिख लोग रहते हैं जो कि खालिस्तान का मुद्दा उठाते हैं और समझिए वो भारत से एक अलग देश खालिस्तान को, खालिस्तान की मांग करते रहते हैं। समझिए इस तरह के आंदोलन ये बाहर रहकर भी वहां पर भी रहकर कुछ ना कुछ करते रहते थे। देखिए, इसके बाद क्या हुआ। देखिए, जब सरकार, जब ये किसानों की भीड़ बढ़ती गई, सरकार के समक्ष इनके मांग पूरी गई, तो सरकार ने समझी जो कि संभव नहीं था एमएसपी जो डब्ल्यूटीओ से भारत को निकालना, यह संभव नहीं था। अब एमएसपी के लिए कुछ ऐसे स्थिति जिसको सरकार नहीं मान रही थी, इसके समझिए इसके चलते सरकार ने टीयर गैस का प्रयोग किया और कि किसानों को समझिए लाठी बरसे, और जिस तरह से किसान समझिए हिंसक रूप लेने लगते थे, जिसके कारण सरकार ने टीयर गैस और लाठी उठाई। अब देखिए, कुछ कुछ ऐसी भी बातें निकल गई जो एक किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्हीं किसानों में कुछ टेरर थे, आतंकवादी थे। अब देखिए, आतंकवादी थे क्यों कहा गया। देखिए, कुछ खालिस्तान जो पंजाब में सिख लोग रहते हैं वहां पर कुछ ऐसे सिख हैं जो कि सब सिख नहीं है, बहुत सारे सिख जो है बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ जो है वो खाली भारत से एक अलग देश खालिस्तान काटकर मांग करते हैं। तो देखिए, उनमें पता चला कि ये कुछ आतंकवादी लोग हैं और यहाँ पर आकर समझिए इसी उपलक्ष्य में उनको भी बैनर मिल रहा है ताकि वो प्रोटेस्ट कर सके सरकार के समय। और देखिए, एक एक बात है जो कि किराया, देखिए कंगना रनौत के द्वारा कहा गया ये जो बात है किराया के लोग, इन्हीं पर समझिए पूरा मुद्दा टिका है। कंगना रनौत के द्वारा ट्वीट कर दिया गया कि ये जो आए हैं ना जितना किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये किराया के लोग हैं जो कि ₹100 पर आकर यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहीं से बात समझिए गर्मा गया और इसी जो है ये जो आंदोलन कर रहे थे लोग सरकार के समक्ष, इसी आंदोलन में ये जो कुलविंदर सिंह कौर है सीआईएसएफ, इन्हीं की माँ भी थी इनमें, और ये जब सुनी कि ये हमारे माँ को भी बोली कि ₹100 के किराए के लोग हैं जो कि यहाँ पर आकर अपने आंदोलन कर रहे हैं, तो इसी समझ ये इनको बुरा लग गया। अब देखिए, इसके बाद कहानी तो पूछा गया, कहानी यहाँ से स्टार्ट होता है जब ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे सरकार के समक्ष, तो कंगना रनौत के द्वारा ट्वीट कर दिया गया कि ये जो जो जो, जो ये से आंदोलन कर रहे हैं ये समझिए बीके हुए किराए पर लोग आए हैं ₹100 लेकर, जिसके कारण समझ ये सीआईएसएफ के जवान पूरी तरह से गुस्सा गई। अब देखिए, यही से कहानी स्टार्ट होता है। अब ये अपनी उसी समय से ठान ली थी कि हम जो है इसका बदला लेकर रहेंगे, कंगना रनौत से। अब देखिए, अब सीआईएसएफ का जवान बदला स्टार्ट होता है। अब देखिए, कोई भी जो है कोई भी बेटा या बेटी हो, अपने माँ के लिए कोई ऐसा बोले तो उनको बुरा लगना तो जाहिर सी बात है। तो ऐसे समझिए इस सीआईएसएफ जवान को भी बुरा लग गया। अब देखिए, यहाँ पे वो सोचे कि जब भी मौका मिलेगा मैं इसको मारूंगी, कंगना रनौत को। अब देखिए, यह सही गलत कितना है। तो इसी समय जो है कंगना रनौत जो है एक एयरपोर्ट पे थी जहाँ पर उसका जांच चल रहा था। देखिए, कोई भी एयरपोर्ट पर जाता है तो सामान का जांच होता है, तो उसी समय जो है कंगना रनौत ये जा रही थी। अब देखिए, सीआईएसएफ जो है, ये जो सीआईएसएफ पद है इसका काम होता है जितने भी सरकारी उद्योग है, चाहे उद्योग है चाहे एयरपोर्ट है, इन दोनों जगह समझिए सुरक्षा करना सीआईएसएफ का काम होता है। ये जो सीआईएसएफ है इन दोनों जगह का देखरेख करती है। जब ये वहां पर
एयरपोर्ट पर यह कांगड़ा नॉर्थ गई, तो उसी समय इनका भी जांच हो रहा था, जांच हो रहा था, तो उसी समय जो है ये जो है सीएसएफ के जवान जो है कुलविंदर सिंह इसको थप्पड़ जड़ दिया समझिए। इसके बाद पूरा हंगामा हो गया, इसके बाद जो है कांगड़ा नॉर्थ को पूरी तरह से एक्सेप्ट किया गया और ये आकर पुनः बताया कि मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और समय इस पर लोगों ने जमकर प्रतिक्रिया दी। अब देखिए यहाँ पर बात है कि क्या सीए अपने पद पर काम करते हुए थप्पड़ मारना उचित है या अनुचित है। तो देखिए जाहिर सी बात है कि जो ये जो बात है अपने पद पर रहते हुए ऐसा करना पूरी तरह से समझिए अनुचित है। अब कैसे अनुचित है, मान लीजिए कि एक शिक्षक विद्यार्थी का, अब देखिए एक शिक्षक जब एक विद्यार्थी शिक्षक के समक्ष पढ़ता है तो उस समझिए शिक्षक का उस विद्यार्थी का विद्यार्थी से मतलब शिष्य का संबंध होता है। मान लीजिए कि वो जो विद्यार्थी है बाद में जब वो शिक्षक नहीं रहा हो तो उससे मतलब कि जो विद्यार्थी शिक्षक के समक्ष उसमें लड़ाई हुआ, लेकिन जब वो विद्यार्थी के रूप में पढ़ रहा है तो शिक्षक ये कभी नहीं कह सकता कि देखो तुम पहले ये काम किए थे अब तुमको हम मारेंगे क्योंकि हमारे तुम हम मेरे समक्ष तुम हम आ गए हो और हम तुमको दम भर मारेंगे। तो यह समझिए यहाँ से इससे समझा जा सकता है कि अपने पद पर रहते हुए ऐसा काम करना पूरी तरह से गलत है। एगो शिक्षक का काम है समझिए बिना स्वार्थ रूप से बच्चों को शिक्षा देना। इसलिए अब यहाँ पर देखिए एक डॉक्टर को, डॉक्टर मरीज में देखिए डॉक्टर का एक ही काम है, अपने जो भी मरीज हो कितने भी दुश्मन हो या कोई भी हो डॉक्टर का एक ही कर्तव्य है कि वो अपने मरीजों का अच्छी तरह से समझिए देखभाल करे, उसका इलाज करे। क्योंकि यहाँ से अगर डॉक्टर कहे कि नहीं तुम मैं इससे पहले तुम मेरे साथ ऐसे किए थे, तुम मेरी माँ के साथ, तुम मेरे परिवार के साथ ऐसे किए थे, हम तुम्हारा इलाज नहीं करेंगे, तो ये देखिए पूरी तरह से गलत बात होते गलत बात हो जाए। इसी तरह से देखिए ये जो सीएएसएफ है चाहे सेना है इनका काम है देश की रक्षा करना, देश के जितने बड़े बड़े सेलिब्रिटी है इनका रक्षा करना। अब यही समझिए मानव लंगेगा पोस्ट पर रहते हुए समझिए बहुत ही दिक्कत हो जाएगा, ये समझिए अच्छी बात नहीं है। तो जाहिर सी बात है इसमें अपने पद पर रहते हुए ऐसे काम करना पूरी तरह से अनुचित है। जब इनको जब ये समझिए जब कंगना रावत ने इनको मार चाहे जितने भी प्रदर्शनकारी थे उनको ऐसा बोला तो इनको समझिए जाना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट कानून था, इस तरह के बातों का सहारा लेना था, न कि स्वयं समझिए अपने पद पर रहते हुए इनको थप्पड़ मारना था। तो इतना बात तो हो गया। और देखिए इसके बाद ऑपोजिशन ने कहा गया, देखिए ये जो है कंगना रावत जहाँ जिस लोकसभा सीट से चुनाव जीती थी वहां पर जो विपक्ष कांग्रेस नेता थे उन्होंने कहा कि ये जो है समझिए वो हार गए, लेकिन फिर भी कहे कि ये जो है ऐसे सांसद को थप्पड़ मारना उचित नहीं है क्योंकि इससे पहले आप देखेंगे राजीव गांधी का हत्या, इंदिरा गांधी का हत्या स्वयं उनका स्टाफ द्वारा ही किया गया था। तो यह रहा पूरी बात। अब चलिए वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।